हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हाव विद हेमलता शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी विल डू मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट फॉर आर बोर्ड एग्जाम्स 2023 क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो आपका 22 क्वेश्चंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 23 के जो ब्लू आया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा तो गवर्नमेंट ने ब्लू जारी कर दिया है और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं कितने टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे किस आ, कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे टोटल कितने मार्क्स का कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो अब वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टार्ट टू वॉच द कम्प्लीट वीडियो देर यू कैन सी आर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंदर ब्लैंक्स फिलिंदर ब्लैक्स विल बी रिलेटेड टू एंगल्स फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल विच इज ग्रेटर दैन राइट एंगल एंड लेस दैन आर स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड एक एंगल जो ग्रेटर होता है राइट एंगल से और लेस होता है स्ट्रेट एंगल से वो कौन सा एंगल कहलाता है सेकेंड इज द मेजर ऑफ अर राइट एंगल इज जो राइट right एंगल है उसका टोटल मेजरमेंट कितना होता है सेकेंड क्वेश्चन मेजर द फोलोविंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड मैंशन देयर टाइप्स आपको इनके टाइप्स मैंशन करने हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है ऑफट एंगल है या एक्यूट एंगल है या राइट right एंगल है प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको पहले मैंशन करना है थर्ड क्वेश्चन द फ्रिक्शन ऑफ शेडेड एरिया इन द गिवन पिक्चर इज जो आपको एक पिक्चर दे रखी है और उसके चार आपको ऑप्शन नीचे गिवन है इन फोर ऑप्शन में से आपको इसका करेक्ट शेडेड एरिया जिसमें दिया हुआ है उस ऑप्शन को चूज करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड फाइंड आउट विच फ्रैक्शन वुड बी इन द बैलून नंबर लाइन आपको दी गई है एक बैलून दिया गया है बैलून से आपको ऑब्जर्व करनी है नंबर लाइन और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपको नंबर्स दिए हैं फिफ्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवन फिफ्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री एंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड थर्टी नाइन इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हेयर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्स अगेंस्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है और ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स जैसे फर्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट टू इन द नंबर जो आपको नंबर दिया गया है उसमें टू की प्लेस वैल्यू क्या है अब इसमें देखना है आपको टू टू के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं क्या इतनी डिजिट्स के ज़ीरो ने लिखी है अगर सही है तो ट्रू और रॉन्ग है तो फॉल्स एफ सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट आपको स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए तो क्या ये टेन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर होगा अगर होगा तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स का यूज़ करना है थर्ड में आपको दोनों डिजिट्स दी गई हैं इनमें कंपेयर करना है क्या इन्होंने सही कंपेयर किया हुआ है तो आपको ट्रू लिखना है और रॉन्ग है तो फॉल्स फोर्थ है द एक्सटैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स आपको नंबर दिया है ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है क्या ये करेक्ट है अगर करेक्ट है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स सेवन्थ के अंदर राइट टू इक्वेलियन फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आपको टू इक्वेलियन फ्रैक्शंस लिखने हैं एक आपको दिया गया है उसके अलावा इसके टू इक्वेलियन फ्रैक्शंस और लिखने हैं तीनों डिजिट्स के आपको टू टू इक्विलेंट फ्रैक्शंस लेखना है वन अपॉन टू का थ्री अपॉन फाइव का और फोर अपॉन सेवन का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है फाइंड द सम ऑफ द इंडियन न्यूमरल्स आपको इंडियन न्यूमरल्स दिए गए हैं यानी इंडियन नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका आपको सम यानी कि एडिशन करना है नेक्स्ट राइट द मिसिंग डिजिट्स इन द बॉक्सेस आपको इस पैटर्न को देखना है और उसमें जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो आपको लिखना है सब्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन है नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोविंग एक एडिशन का क्वेश्चन आएगा और एक आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों को सॉल्व करना है जो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपको दो डिजिट दी हुई हैं दोनों को ऐड करना है फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ़ वन बुक्स हैज़ एटीन बुक्स देन हाउ मैनी बुक्स आर नीडेड टू पैक सिक्स हंड्रेड थर्टी बुक्स अगर एक बॉक्स के अंदर एटीन बुक्स आती हैं तो आपको बताना है कि कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी अगर हमें सिक्स हंड्रेड थर्टी बुक्स को पैक करना है तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ तक कम्प्लीट हुआ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन्स ट्वेल्थ का सेकेंड पार्ट है पहले तो अ टैंक कंटेन्स थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव लीटर वाटर देन हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन सच ट्वेंटी सिक्स टैंक्स अगर एक टैंक जो है उसके अंदर थ्री हंड्रेड सेवेंटी फ़ाइव लीटर वाटर आता है तो बताइए कि हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन सच ट्वेंटी सिक्स टैंक्स तो आपको मल्टीप्लाई करना है कि एक टैंक में अगर थ्री सेवेंटी फ़ाइव लीटर आता है तो बताइए कि ट्वेंटी सिक्स टैंक्स के अंदर कितना लीटर वाटर आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन में भी आंसर द फॉलोविंग से आपको देखना है द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ एट आपको पता है फोर मल्टीपल्स लिखने के लिए आपको क्या करना होगा एट का टेबल लिखना होगा फिर उसके अंदर सेकेंड आता है द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व का टेबल लिख देंगे थर्ड क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एट एंड ट्वेल्व इज एट और ट्वेल्व का जो स्मोलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपको लिखना है सबसे कॉम छोटा वाला मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है वन रेड्स वन ना टू यानी वन एंड हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम्स आपको पता है वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम्स तो आपको वन एंड हाफ का बताना है तो फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स सेकेंड है आपका सिक्स हंड्रेड ग्राम्स में कितने किलोग्राम्स होंगे एट मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे आपको पता है वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो एट मीटर्स का निकालना है फोर्थ आपका है थ्री हंड्रेड मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर थ्री हंड सॉरी थ्री थाउजेंड मीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे फिफ्टीन क्वेश्चन आपका आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है वन आवर हेज हंड्रेड मिनट्स इन्होंने कहा है कि एक घंटे में सौ मिनट्स होती हैं तो आपको पता है कि वन आवर में सिक्सटी मिनट्स होती हैं तो ये ट्रू होगा यह फॉल्स होगा फिफ्टीन मिनट्स के अंदर नाइन हंड्रेड सेकेंड्स दे रखा है तो आपको देखना है कि वन मिनट के अंदर सिक्सटी सेकेंड्स होती हैं तो क्या फिफ्टीन मिनट्स के अंदर नाइन हंड्रेड सेकेंड्स होंगे अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स इज इक्वल टू वन आवर तो आपको पता है कि वन आवर के अंदर सिक्सटी मिनट्स होती हैं सिक्सटी मिनट्स के अंदर सिक्सटी सेकेंड्स होती हैं तो आपको सिक्सटी सिक्सटी को मल्टीप्लाई कर देना है अगर आपका थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ रहा है देन इट मीनस ट्रू और अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स हाफ आवर इज़ इक्वल टू थर्टी मिनट्स आपको पता है कि एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होती हैं तो बताइए कि आधे घंटे में कितने मिनट्स होंगे तो इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स करना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जो आपका है मोहित परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राजा प्रोविज़न स्टोर जोधपुर मोहित ने ये नीचे दिए गए जो आइटम्स हैं वो परचेज़ किए राजा प्रोविज़न स्टोर जोधपुर से सिक्स के जी राइस उसने परचेज़ किए एट द रेट ऑफ थर्टी एट पर के जी शुगर थ्री के जी फोर्टी वन पर के जी की रेट पर मस्टर्ड ऑयल थ्री लीटर एट द रेट ऑफ एट्टी फोर पर लीटर पर फाइंड दोहित फॉलोइंग फॉर्मेट आपको एक फॉर्मेट बनाते हुए जो बिल मेकिंग का फॉर्मेट है वो बनाते हुए आपको टोटल खर्चा निकालना है जो मोहित ने किया है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है सेवनटीन सम सेवन बिलो ऑन अ ग्रेड पेपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको इस ग्रेड पेपर के ऊपर कुछ शेप्स दी हुई हैं आपको दिख भी रहा होगा कि कहीं फोर सेंटीमीटर लिखा है फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर दैट इट मीन इट इज अ स्क्र शेप इट इज अ रेक्टेंगल शेप हाउ मच इज द पैरामीटर ऑफ रैक्टेंगल पी क्यू आर एस ये आपको सेकेंड वाली पिक्चर दे रखी है इसके अंदर आपको निकालना है पी क्यू आर एस का पैरामीटर रैक्टेंगल का तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है टू ब्रैकेट एल प्लस बी तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसका पैरामीटर निकाल देंगे जिसमें आपको एल और बी दोनों दी हुई है हाउ मच इज द पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी एक स्क्वायर है आपको दिख रहा है कि स्क्वायर हाँ जी फोर सेंटीमीटर है इसकी सारी साइड्स तो आपको पता ही ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो उसका पैरामीटर निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लगा देंगे फोर मल्टीप्लाई साइड साइड को फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका दोनों दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आर द पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल्स पी क्यू आर एस इक्वल अब आपको बताना है कि पी क्यू आर एस और ए बी सी डी दोनों का जो आपने पैरामीटर निकाला है क्या वो दोनों का पैरामीटर इक्वल है अगर इक्वल है तो यस yes, नहीं है तो नो द एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू अब इसके बाद में आपको ए बी सी डी स्क्वायर का आ, एरिया निकालना है एरिया के लिए क्या करते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा एल इंटू बी इसके लेंथ को ब्रेड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स में का सिक्स पॉइंट आ जाएगा आउट ऑफ दिस फिगर द एरिया ऑफ विच फिगर इज मोर एंड हाउ मच यानी कि आप दोनों ने अब एरिया निकाल लिया फोर्थ और तो फिफ्थ में अब इसने पूछा है कि इन दोनों का जो एरिया है उनमें से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है ये भी बताना है भाई किसका ज़्यादा है अगर रेक्टेंगल का ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर इज़ मोर एंड जो भी आपका आंसर है इतना लेकिन अगर स्क्वायर का है तो आप लिख सकते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर इज़ मोर इस तरह से आप एरियाज कंपेयर कर लेंगे एटींथ क्वेश्चन में द कैपेसिटी ऑफ थ्री कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स हंड्रेड मिली लीटर टू लीटर एंड वन मिली लीटर सिक्स हंड्रेड मिली लीटर रेस्पेक्टिवली तो कोल्ड ड्रिंक की तीन बोटल्स थी जिसमें एक बोटल का जो मिजम एंड यानी उसकी कैपेसिटी है वो सिक्स हंड्रेड एम एल की थी एक की टू एम एल की थी और एक की वन लीटर सिक्स हंड्रेड एम एल की थी टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द थ्री बोटल्स इन मिलीलीटर। आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में टोटल कैपेसिटी तीनों की ऐड करनी है यानी सिक्स हंड्रेड मिली लीटर टू लीटर को आप मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे वन लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे और मिली लीटर से ऐड कर देंगे हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ टू हंड्रेड मिली लीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड इन द कंप्लीटली बाई दी कोल्ड ड्रिंक तो अब आप पूरा आपका टोटल मिलीलीटर आ गया कि कितना मिलीलीटर लीटर लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक आपके पास हो गई तो इसने पूछा है कि 200 मिलीलीटर कैपेसिटी का यानी 200 सौ का जो आपका ग्लास होगा उससे कितने ग्लास आपके फिल हो सकते हैं तो उसको जो आपका टोटल आएगा मिलीलीटर में उसको 200 से डिवाइड कर देंगे तो आपके ग्लासेस की क्वांटिटी निकल जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपका है द नेक्स्ट टर्म इन नंबर पैटर्न इस पैटर्न को देखना है और आगे आने वाली नेक्स्ट टर्म को लिखना है जैसे नाइन है फिफ्टीन है ट्वेंटी वन है और ट्वेंटी सेवन है एज यू कैन सी हियर वी हैव अ गैप ऑफ नाइन से फिफ्टीन के बीच में अगर देखें तो हम टेन इलेवन 12 थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन यानी फाइव का गैप है फिर उसके बाद फिफ्टीन से ट्वेंटी में देखें तो अगेन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी फिर से फाइव का गैप है फिर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन अगर देखें तो फिर से फाइव का गैप है तो ट्वेंटी सेवन से नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा जो फाइव के गैप के बाद में आएगा जैसे ट्वेंटी थर्टी वन थर्टी टू तो नेक्स्ट वन इज सी यानी कि थर्टी थ्री आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्वेंटी क्वेश्चन आएगा विच नंबर डू द टैली मार्क्स रिप्रेजेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है एक नंबर दिया टैली मार्क्स दिया हुआ है और ये टैली मार्क कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच नंबर डू द टैली मार्क रिप्रेजेंट आपको पता है एंड एंड ये ये जो आ, एक five, ये जो एक लाइन दी हुई है है देन टैली मार्क वो कितना नंबर रिप्रेजेंट करता है सेवन नंबर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एंड मेक द नेक्स्ट टू पैटर्न पहले आपको जो पैटर्न दिया गया है उसको अंडरस्टैंड करना है उसके बाद में नेक्स्ट टू पैटर्न आपको खुद से बनाने हैं इसमें पहले सर्कल दिया फिर ट्रायंगल दिया फिर रेक्टेंगल दिया फिर उसके बाद में टू सर्कल दिए एक ट्रायंगल दिया एक रेक्टेंगल दिया अगेन आप क्या करेंगे थ्री सर्कल्स बनाएंगे ऑब्वियस बात है कि वन आया टू सर्कल्स आए फिर थ्री सर्कल्स आएंगे तो नेक्स्ट टू भी आपके दोनों सर्कल बन जाएंगे इन द अजमेर सिटी द नंबर ऑफ चालान मेड बाय ट्रैफिक पुलिस एट अ पर्टिकुलर क्रॉस रोड इज फॉलो अजमेर सिटी के अंदर जो चालान से ट्रैफिक के थ्रू जो चालान काटे जाते हैं बनाए गए एक पर्टिकुलर क्रॉस रोड के ऊपर ये जो नीचे दिए हुए हैं कि डे मंडे ट्यूजडे वेनजडे एंड थर्सडे इन फोर डेज़ को बनाए नंबर ऑफ चालान्स हो गए सेवन ट्यूजडे को फाइव चालान काटे वेनसडे को टू एंड थर्सडे को सिक्स मेक अ ग्राफ फॉर द फॉलोविंग डेटा इसके लिए आपको एक बार ग्राफ बनाना है तो इस तरह से आपका जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो हमने आपको करवा दिया है आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी क्वेश्चन का आपको लगता है कि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए विल सॉल्व योर क्वेश्चन फॉर यू और आगे कुछ और मॉडल टेस्ट पेपर्स हम आपके लिए अपलोड कर देंगे और दूसरे भी सब्जेक्ट्स के अंदर हम डालने वाले हैं आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं तो कीप ऑन प्रैक्टिस क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग